नमस्कार, मैं प्रीतम कुमार, आप देख रहे हैं बोलो जिंदगी। इस वक्त हूँ मैं पटना के खादी मॉल में। दीपक, जो दिवाली के सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कहते हैं, सबसे खास चीज़ जो दिवाली की पहचान जो होती है, वो होती है मिट्टी के दिए, जो आज के दौर में विलुप्त होते जा रहे हैं, जिनके जगह चाइनीज लाइटों ने ले लिया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जो है, वो इस बात का ख्याल रखा है कि हम अपनी संस्कृति से लोगों को कैसे जोड़ के रखें। इसलिए एक हमारे पास कुम्हार अंकल हैं, जो यहाँ पर मिट्टी के दिए बना रहे हैं। अब दिए बनते भी देख सकते हैं और यहाँ पर सीख भी सकते हैं। ये खादी मॉल की तरफ से एक कुम्हार अंकल को बैठाया गया है, जो लोगों को सिखा भी सकते हैं कि चाक पर कैसे दिए बनाए जाते हैं। तो ये एक जुड़ाव है। आपका नाम क्या हुआ? कृष्णा पंडित। कृष्णा जी, आप ये यहाँ पर, आपको खादी मॉल वाले ने बुलाया? हाँ, खादी मॉल वाले ने बुलाया है। अच्छा, किस लिए, क्यों बुलाया? पढ़ने के लिए। अच्छा, और लोगों को सिखाते भी हैं? सिखाते भी हैं। अच्छा, इसके लिए तो पैसे वैसे आपको मिल रहे हैं? पैसे वैसे तो आपको आपको मिले हैं? मिले हैं पैसा। तो कि मिट्टी के दिए आप कब से बना रहे हैं? आज हो गया, हम बना रहे हैं 20-25 साल से। सबसे पहले तो हम एक चीज़ पूछेंगे कि 20-25 सालों में और अब में क्या मिट्टी के दिए के डिमांड कम हुआ है कुछ? मिट्टी के दिए के डिमांड हुआ क्या, कम हो गया पहले से? हाँ, बहुत कम हो गया। बहुत कम हो गया? बहुत कम। आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है? जो यथी निकल गया इलेक्ट्रिक वाला ना, इससे कम हो गया। पूजा पर जो है वो तो हम इलेक्ट्रिक लाइट से कर नहीं सकते हैं, तो वो हमारी मजबूरी है, इसलिए हम 2-4 दिए तो ले लेते हैं। बाकी और सजावट के लिए हम दिए का यूज़ नहीं, इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसलिए बाज़ार में दिए का मांग जो है वो घटा है। जो बच्चे हैं, युवा वर्ग हैं, जो हमारे जैसे जवान लोग हैं, वो क्या मतलब दिए के प्रति आपके आकर्षित हैं, वो चाहते हैं कि हम अब दियों का इस्तेमाल करें फिर से? लोग नहीं सीखता है। नहीं, नहीं। लोग चलवे नहीं करता है तो काहे के लिए सीखेगा, दूसरा काम करता है। आप लोगों का पहले से बनाने में खर्च भी बढ़ा है? हाँ, खर्च बढ़ गया है बहुत। मिट्टी का बढ़ गया दाम, जरना का बढ़ गया। हाँ, अब कितनों कुम्हार अब नहीं पारता है, बहुत कम पारता है। इसलिए कि बाजार में अगर डिमांड ही नहीं है तो हम क्यों बनाएं? बनाएगा, दूसरा काम करता। तो ऐसा है कि सिर्फ पटना में ही डिमांड नहीं है, या फिर मतलब हर जगह से खत्म होता जा रहा है? हर जगह से खत्म हो जा रहा है दिया का मांग। आप अपने घरों में क्या जलाते हैं? दिया जलाते हैं, मिट्टी का हम लोग जलाते हैं, हम लाइट नहीं लगाते हैं। लाइट लगाते ही नहीं है? नहीं। उनके घरों में तो दिए जलेंगे, चूंकि ये खुद से बनाते हैं और एक लगाव जो है वो जुड़ा रहा है, और हमें लगता है कि मिट्टी के दिए से हमारे पूरे देशवासियों का जुड़ाव है, और इस संस्कृति को हम भी यही आह्वान करेंगे, आपसे निवेदन करेंगे कि कम से कम इस प्रचलन को हम बरकरार रखें, और जो बीत गई सो बात गई। अब जो हम जो हैं वो नई पीढ़ी के लोग हैं, युवा वर्ग हैं, तो कम से कम युवाओं से हम ये ज़रूर कहेंगे कि इस दिए का इस्तेमाल करें, इसकी जो मांग बढ़ेगी तो हमारे बिहार का ही उद्योग बढ़ेगा। ऐसे जो हमारे जो कारीगर हैं, जो इन पे ही इनका सब कुछ टिका है, इनके लिए रोज़गार यही है, और अगर हम ही इनसे दिया लेना बंद कर देंगे तो एक तो ये बेरोज़गार हो जाएंगे, और एक जो हमारी संस्कृति है हम भी उससे दूर हो जाएंगे। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप मिट्टी के दिए का उपयोग करें, और खादी मॉल का विशेष धन्यवाद कि आपने अपनी पुरानी संस्कृति से लोगों को जोड़ने के लिए इस तरह का इनिशिएटिव लिया है। ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव लगी हमें मार्केट से, जो यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का।